बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बवासीर का मसला हो या पेशाब की तकलीफ़, अनार का पाउडर मुख्तलिफ मसाइल में आपका मददगार। बढ़ते हैं दोस्तों आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानिब। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप दोस्तों को हर नए आने वाली वीडियो का बरवक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। जानिए इसके अलावा फ़ायदे जो आपके इलम में नहीं। अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। इस फल के इस्तेमाल से आप कई ऐसे फ़वाद हासिल कर सकते हैं जिनको मसनू तरीके से हासिल करने के लिए आपको कई कड़वी और महंगी अदवाओं का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अनार के छिलके अमूमन लोग फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके भी इतने ही फ़ायदेमंद होते हैं जितने कि अनार के दाने। आज हम आपको बताएंगे अनार के छिलकों की मदद से तीन बड़ी बीमारियां, यानी बार बार पेशाब का आना, बवासीर और जिस्म की नागवार बदबू दूर कैसे की जा सकती है। अनार का पाउडर। अनार तकरीबन हर घर में ही आता है और इसके छिलके ज़ाया करने के बजाय धूप में सुखाकर महफूज कर लें। और अगर आपके घर में अनार के खुश्क छिलके मौजूद ना हो तो आप किसी हकीम की दुकान से भी ख़रीद सकते हैं। ये आपको मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। इसे खुश करने के बाद पीस कर पाउडर बना लें और कांच की बोतल में रख दें। मज़ीद अगर तफसीली बात करें दोस्तों बवासीर के लिए, बवासीर के मर्ज़ में मुबला मर्द व ख़वातीन अनार के खुश्क छिलकों का पाउडर तीन दिन तक रोज़ाना तकरीबन 5 माशा सादे पानी में इस्तेमाल के साथ खाएं। इसके इस्तेमाल से बवासीर जैसे ख़तरनाक मर्ज से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर मज़ीद दोस्तों बात करें अनार के पाउडर के हवाले से तो आपसे बयान करता चलूं, बार बार पेशाब का आना, वो लोग जो बार बार पेशाब आना या कतरा कतरा पेशाब आने की बीमारी में मुबतला हैं उनको चाहिए कि खुश्क छिलकों का पाउडर तकरीबन 4 से 6 माशे तक ताज़ा पानी के साथ दिन में किसी भी वक्त खा लें। इसके एक हफ़्ते इस्तेमाल से मसाने की गर्मी और कसरत पेशाब की बीमारी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर मज़ीद दोस्तों इसके फ़ायद के हवाले से हम बात करें, जिस्म की बदबू। अगर मुंह से पानी आता हो या जिस्म की नागवार बदबू आती हो तो ये नुस्खा इस परेशानी को दूर करने के लिए बेहतरीन है। बस अनार के खुश्क छिलकों का पाउडर आपने तकरीबन 3 माशा लेना है और इसको सादा पानी के साथ दिन में किसी भी वक्त फाँक लेना है। इसके इस्तेमाल के 7 से 8 दिन तक करें। अगर आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह हल हो जाएगी और अनार खुश्क छिलकों को उबाल कर इसके गरारे और कुरलियाँ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।